हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा का शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा का विजयी अभियान कार्यकर्ताओं के दम पर है। कैलाश मेघवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसी के दमखम पर चुनाव लड़ती है और जीत होती है। ये बात अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बाड़मेर में जसदेव धाम में आयोजित शक्ति केंद्र सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के स्वर्णिम युग का आगाज हो रहा है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनना इस बात का आगाज है। विजयी होना और हर बार विजयी होना भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 4 राज्यों में विजय के लिए शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां पार्टी ना पहुंचे वहां कार्यकर्ता पहुंचते हैं, जहां कार्यकर्ता पहुंचे वहां पार्टी को व्यवस्थित करते हैं, जहां व्यवस्थित हो गई वहां पर पार्टी को अजय बनाते हैं, ताकि वहां का सांसद, विधायक, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, बोर्डो सहित सभी चुनावों में भाजपा जीते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस ने परिवारवाद के साथ देश को बांटने का काम किया, गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस गरीबी हटा नहीं पाई। 2019 में भाजपा ने चौकीदार बनकर देश की रक्षा की। अब आने वाले 2024 में संगठन की ताकत से विजय होगी। संगठन और विचार की ताकत से सभी को आपस में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रीय बैठक में कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ उसे स्थायी बनाने के लिए सशक्त मंडल होना जरूरी है। इसके लिए सर्वाधिक बैठक हो, प्रवास हो, बूथ अध्यक्ष को सक्रिय रहकर अपनी भूमिका समझकर काम करना होगा। पार्टी को नीचे तक पहुंचने में ये सब महत्वपूर्ण भूमिका में है। सक्रिय बूथ समिति व पन्ना प्रमुख बनाना है। आने वाले 26 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख बनाने हैं। इसी के साथ राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा का विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है और भाजपा हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को भाजपा परिवार ने दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि देश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी निचले वर्ग के लिए कभी नहीं सोचा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लिए सर्वाधिक काम हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे पार्टी के कार्यक्रम व अभियान को गति मिले, इसके लिए निरंतर बैठक करें, कमजोर व दुर्बल वर्ग को भाजपा से जोड़ते हुए पार्टी के लिए कार्य करें। शर्मा ने कहा कि शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को पार्टी के जो कार्यक्रम मिले उनमें भागीदार रहकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है, इसके लिए हमें पूरी ताकत से काम करना है। वर्षों से लंबित मामले जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 और 35A को नस्त नाबुद करना, 3 तलाक बिल समान नागरिक संहिता जैसे कार्य कर भारत को सिरमौर बनाने का कार्य भाजपा ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण के समय कांग्रेस की सरकार होटलों में व्यस्त थी, तब भाजपा कार्यकर्ता पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच में हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य अपनी आँखों से देख पाएंगे तथा रामलला के भव्य रूप को उसी स्थान पर देखेंगे। उक्त शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन के जिला संयोजक बाला राम मूल व सह संयोजक रमेश सिंह इंदा ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख ललित बोत्रा ने बताया कि उक्त शक्ति केंद्र सम्मेलन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, जिला महामंत्री बाला राम मूल एवं स्वरूप सिंह खारा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, चौटन प्रधान रूपाराम सारन, लक्ष्मण वडेरा, अम्बालाल अलबेला, जिला प्रवक्ता ललित बोत्रा, रणवीर सिंह भादु, वीरमा राम मेघवाल, महंत राजू दास भील, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर राधा रामावत, अकबर खान समेजा, अनीता चौहान, पृथ्वी चंदक, सुरेश मोदी, चंपत सिंह भवरिया सहित अपेक्षित लोग मौजूद थे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।